जय भानुशाली पर गुस्सा हुए सलमान खान और गुस्से में कही यह बात। आखिर क्या बात कह दी है सलमान खान ने जय भानुशाली को और क्यों गुस्सा किया है जय पर, चलिए आपको बताते हैं इस वीडियो में। हेलो एंड हाय एवरीवन, दिस इज केशवी एंड वेलकम टू आवर चैनल। यहाँ जहाँ वीकेंड के वार पर हर एक जन की क्लास लगती है, तो सलमान खान ने यहाँ जय भानुशाली को नहीं छोड़ा है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि प्रतीक और जय की जो फाइट हुई थी, जहां पर प्रतीक और जय दोनों फिजिकल हो गए थे, बिग बॉस की प्रॉपर्टीज भी तोड़ी थी प्रतीक ने, अब यहां पर जो है यही मुद्दा उठा वीकेंड के वार के दिन, जहां पर सलमान खान ने कहा, वो प्रतीक से बात कर रहे थे कि आखिर ऐसा तुमने क्यों किया और इस तरीके की जो चीजें हैं ये करना सही नहीं है बिग बॉस के घर में। तो वहीं जय भानुशाली बोल पड़ते हैं कि प्रतीक जो है उन्होंने मेरा कॉलर खींचा था और अगर जो कोई भी मेरा कॉलर खींचेगा मैं उसका मुंह फोड़ दूंगा। वेल, यहाँ पर जब सलमान खान बात कर रहे थे प्रतीक से और फिर बीच में इंटरप्ट करके जय ने कहा कि जो है ये इस तरीके की चीजें करेगा, अगर कोई भी मेरी कॉलर पकड़ेगा तो मैं उसका मुंह फोड़ दूंगा। और ये डे फर्स्ट से ही मैंने सलमान सर को ये भी कहा था। दरअसल डे फर्स्ट आपको याद होगा जहां पर सलमान खान जाते हैं घर में, जय को पूरा घर बताते हैं, वहां पर काफी कुछ बातें भी करते हैं। तो यहाँ पर बात करते हुए जय ने ये चीज कही थी कि सर अगर किसी ने मेरा कॉलर खींचा या फिर कोई सामने से मेरे पे फिजिकल हुआ तो फिर मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। तो वही चीज जो है यहाँ पर देखने को मिली, लेकिन सलमान ने समझाया जय को कि ये इस तरीके के जो लैंग्वेज तुम यूज कर रहे हो ये बहुत गलत इम्पैक्ट डालता है घर के बाहर और बहुत गलत लगता है। वेल, ये जो शो है बहुत रेपुटेटेड शो है और इंडिया का सबसे बड़ा शो है। यहाँ पर अगर तुम लोग इस तरीके की बातें करोगे तो तुम्हारी जो छवि है वो बिगड़ेगी। जय ने आज कितने सारे काम किए हैं, इवन सलमान खान बोलते हैं कि तुमने बाहर बहुत काम किया है, लेकिन यहाँ पर तुम्हारी रियल पर्सनालिटी दिख रही है और एक वीक के अंदर भले तुम बाहर ऐसे नहीं हो लेकिन यहाँ पर दर्शक तुम्हें ऐसा ही देख रहे हैं, तो वो तुम्हें ऐसे ही समझेंगे कि रियल लाइफ में तुम ऐसे ही हो। यहाँ पर सलमान खान बहुत अच्छे से जय को समझाते हैं। आई होप जय भानुशाली को ये चीज समझ में भी आई होगी, क्योंकि उन्होंने काफी ज्यादा अब्यूज वर्ड्स यूज करे थे प्रतीक सहजपाल के लिए, जो कि आगे उन्हीं के लिए गलत भी साबित हो सकते हैं और हुए भी हैं। वेल, आपका क्या कुछ कहना है इसको लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। बिग बॉस से रिलेटेड तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ यानी हमारे चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।